हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णव कसौधन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन के बुक प्रोज एंड फिक्शन 1, जो कि राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 5। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किए जा चुके हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी, आप वहां से इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर 5। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 5 है एच ब्लॉक्स ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म। एंड इसे डिस्कस करने से पहले हम एक बार हमारे ऑथर को डिस्कस कर लेते हैं। सो इनका पूरा नाम है हिलाल ब्लॉक एंड ये एक फ्रेंच इंग्लिश राइटर हैं। अर्ली 20th सेंचुरी के राइटर हैं ये। 20th सेंचुरी का मीनिंग हो गया कि ये 1900 के आगे इन्होंने इनका जो राइटिंग करियर है वो 1900 के बाद स्टार्ट हुआ है। ओके, तो ये क्या क्या थे? ये एक ओरेटर रह चुके हैं, पोएट थे, सेलर थे, सटारिस्ट थे, राइटर ऑफ लेटर्स थे, मतलब लोगों के लिए ये लेटर्स लिखना प्रेफर करते थे, ठीक है, एंड सोल्जर थे। इसके अलावा ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 27, 1870, कहाँ पे? फ्रांस में, पेरिस में। ओके, एंड भले ही इनका जो बर्थ प्लेस था वो फ्रांस था, बट इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इंग्लैंड में हुई है, बट 1902 तक ये एक फ्रेंच सिटीजन रहे हैं। इंग्लैंड में रह रहे थे बट सिटीजनशिप जो थी इनके पास वो फ्रांस की ही थी। ओके, इनके फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम है लुइस ब्लॉक एंड ये काफी अच्छे माने जाने जो है फ्रेंच लॉयर थे। एंड इनकी मदर का नाम है एलिजाबेथ रेनर पार्कस एंड ये भी एक इंग्लिश राइटर थी। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इनकी इनकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो हुई हैं कार्डिनल न्यूमेंस प्रीपेट्री स्कूल एंड यहाँ पे रिजिड कैथोलिज्म फॉलो किया जाता है, मतलब ये कैथोलिक स्कूल था एंड बहुत ही रिजिड तरीके से कैथोलिक जो रूल्स थे उनको फॉलो किया जाता था। इसके बाद इन्होंने 1892 में एक साल का ब्रेक लिया जिसमें इन्होंने अपना स्कूल छोड़ा एंड इन्होंने ज्वाइन कर लिया था फ्रेंच आर्टिलरी सर्विस फ्रांस में। एक साल बाद ये वापस आया एंड इन्होंने अपनी स्टडीज कंटिन्यू की, कहाँ से? बेलॉल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। वैसे इस टाइम पे जब ये स्कूल में पढ़ते थे, मतलब इनकी पढ़ाई चल रही थी, तब ये एक बहुत ही एनर्जेटिक एंड ओपिनिएटेड स्टूडेंट है, मतलब एनर्जी तो थे ही, इसके अलावा इनके पास हर चीज पे अपना एक विचार रहता था एंड इनके पास रेपुटेशन थी या लोग इनको जानते थे कि ये काफी लंबी डिबेट्स है आर्ग्यूमेंट्स जो है वो अपने फेलो मेंबर्स के साथ या वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ कंटिन्यू कर सकते थे। इनका जो फेवरेट था वो था टॉपिक हिस्टोरिकल स्टडीज या हिस्ट्री पे बात करना एक बहुत ज्यादा प्रिफर करते थे। फिर 1896 में इन्होंने दो पोएट्री बुक्स लिखी, कौन कौन सी? अ बैड चाइल्ड्स बुक ऑफ द बीस्ट एंड सोनेट्स एंड वर्सेस, ये दो बुक इन्होंने 1896 में लिखी। इसके बाद इन्होंने काफी साल तक पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म इन दोनों करियर्स के बीच में ये स्विच करते रहे एंड इवेंचुअली ये एडिटर की पोजीशन इनको मिल गई। कहाँ पे? मॉर्निंग पोस्ट में मिली पहले तो, एंड इसके साथ इन्होंने एक और काम स्टार्ट किया, वो था ही बिकेम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। इवेंचुअली आगे जाके इन्हें फिर से एडिटर की पोस्ट मिल गई आई विटनेस में। आई विटनेस क्या है? ये एक पॉलिटिकल वीकली न्यूज़पेपर है जहां पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन उस टाइम की चल रही होती है वहां पे क्रिटिसिज्म किया जाता है एंड इसी यहीं पे यानी कि आई विटनेस में इनकी मुलाकात शॉ से भी हुई, वेल्स से भी हुई एंड इनके फ्रेंड भी बन गए चैस्टरटन। इनके फ्रेंड भी बन गए चैस्टरटन। आगे अगर हम इनकी लाइफ में देखते हैं तो इन्होंने नॉवेलिस्ट और हिस्टोरियन का कैरेक्टर बहुत लिस्ट के दो करियर को इन्होंने ऑप्ट किया एंड उसके बाद इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी। इनकी फेमस बुक्स की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगी मिस्टर चस्ट बस्टर्स इलेक्शन 1908 में, उसके बाद
अ चेंज इन कैबिनेट 1909, पोंगो एंड द बुल 1910, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1911 एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड 1915। इन्होंने वेस्टर्न फ्रंट काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया, जो उस टाइम पे वॉर सिचुएशन चल रही थी उसको भी काफी अच्छे से अपनी बुक फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पोर्ट्रे किया है। ये काफी ज्यादा एडवोकेट करने की कोशिश करते थे या लोगों से बहस करने की कोशिश करते थे, मानते थे खुद में कि इंग्लैंड का ब्रिटिश का जो इंगेजमेंट रहा है वॉर में वो काफी अच्छा रहा है, एंड वॉर के चलते ही इन्होंने अपने कई सारे फ्रेंड्स और अपने खुद के बेटे को भी खोया है। बेलॉग जो है वो एक डिवोटेड रोमन कैथोलिक थे एंड इन्होंने जो है राइटिंग्स में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जैसे मैंने कहा ये हिस्ट्री और रिलीजन को बहुत ज्यादा मानते थे, तो उन्होंने इसके बाद जो है वॉर से वापस आने के बाद इन्होंने हिस्ट्री और रिलीजियस पे बायोग्राफीज बहुत सारी लिखी हैं। इवेंचुअली 1942 में इन्हें एक स्ट्रोक आया जिसकी वजह से ये 11 इयर्स तक पैरालाइज रहे एंड इवेंचुअली जून 16, 1953 में इनकी डेथ हो गई थी। अब हम चलते हैं हमारे एसे पे। चलिए तो अब हम आते हैं हमारे एसे पे। एसे के फर्स्ट पैराग्राफ में जो है बेलॉग कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है एक स्किल जो स्कूल्स में नहीं सिखाई जा रही है एंड वो सिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनफॉर्चुनेटली करंट के जो स्कूल्स आ रहे हैं उनमें ये सब नहीं सिखाया जा रहा है, एंड दैट इज फ्रॉड। मतलब बच्चों को फ्रॉड करना नहीं, बच्चों को फ्रॉड से बचा कैसे जाए। ठीक है, उनका ये कहना है कि अगर आपको एक फ्रॉड के पर्टिकुलर बेसिक्स पता है कि फ्रॉड किस तरीके से किया जा रहा है, लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, आप एज अ सिटीजन एज एन अडल्ट अपनी आगे की लाइफ में जाके उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने यही बात कही है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो है उन्हें रीमॉडल करने की जरूरत है, एंड स्पेशली किन के लिए, जो वेल्दी बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो तो चीजों को अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं बाय हुक और बाय क्रुक, बट जिनके पास पैसे हैं दे कैन लूज देयर एवरीथिंग अगर उनके साथ कोई बड़ा फ्रॉड होता है तो। ठीक है, तो लोगों को जो है फ्रॉड से बचने का, या स्टूडेंट्स को फ्रॉड से बचने का, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड से कैसे बचा जाए, ये सब स्कूल में सिखा देना चाहिए एंड एज अ सब्जेक्ट ये करिकुलम में ऐड कर देना चाहिए। अब इसके एब्सेंस की वजह से क्या हो रहा है, बच्चों को चीजें पता नहीं होती हैं एंड वो फ्रॉड में फंस जाते हैं एंड दे लूज देयर वेल्थ। ओके, सेकंड पैराग्राफ में बेलॉग ने जो है कहा है कि ये सब्जेक्ट एक मास्टर सब्जेक्ट है एंड इससे जो है हमारी इग्नोरेंस और इनएबिलिटी जो है वो हट जाती है एंड हम लोगों की जो है टोल या ऑब्सक्योरिटी को समझ पाते हैं एंड हम चीजों से बच सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि फ्रॉड जो है वो कभी स्कूल्स में नहीं सिखाया गया, फ्रॉड जो है लैटिन और ग्रीक के टाइम पे, एंशियंट ग्रीक के टाइम पे ये सब सिखाया जाता था बच्चों को, जो एक्चुअल ट्रिक्स होती थी, जो एक्चुअल चीजें होती जो उनकी लाइफ में जरूरी हो सकती थी वो एंशियंट टाइम पे सिखाया जाता था। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि इवेंचुअली और नॉलेज आते गए, और सब्जेक्ट्स आते गए एंड फिजिकल साइंस आती गई, मैथमेटिक्स आती गई एंड इन सब्जेक्ट्स को जो बाकी सब्जेक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है या जो फ्यूचर में बच्चे सीख सकते हैं खुद से, उन सब्जेक्ट को धीरे धीरे हटाया गया एंड इवेंचुअली कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो स्कूल के करिकुलम से बच्चों की हटा दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि यंग पीपल यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इनडायरेक्टली कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं स्कूल्स में। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन करना आ गया है, आपको प्रॉफिट लॉस अगर आप पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ आ गई कि यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। आप अकाउंट्स में भी आपको कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो इन फ्यूचर आपके काम में आ सकती हैं, बट ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली सिखाई जा रही हैं। एंड चीटिंग या फ्रॉड ये किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से लोग यूज करते हैं एंड इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है ये नहीं सिखाया जाता, एंड इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपनी लाइफ में एज अ होल, क्योंकि उन्हें चीजें पता नहीं होती है एंड वो चीजें करते तो हैं बट फ्रॉड की वजह से या किसी और रीजन की वजह से वो अपने पैसे फंसा देते हैं, अपने एसेट्स को फंसा देते हैं एंड दे लूज एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहने की कोशिश करते हैं कि स्विंडलिंग जो हो गई यानी कि चीटिंग या फ्रॉड जो हो गया वो लोग मानेंगे कि
करंट के टाइम पे ये एक नेसेसरी प्रैक्टिस आ गई है कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है देन थोड़ा बहुत तो आपको करना ही पड़ेगा, टू सम एक्सटेंट ये होता है एंड लोग करते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल वो दे रहे हैं कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप एक ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे, आप किसी ऐसे इंसान से चीजें खरीदेंगे जो सस्ते में आपको चीजें दे दे एंड फिर आप जो आपका कस्टमर होगा उसे एक हायर प्राइस पर बेचने की कोशिश करेंगे। दिस इज द लॉजिकल सेंस। एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप किसी अच्छे मतलब ज्यादा प्राइस दे के कोई चीज खरीद रहे हैं एंड उसके इक्वल प्राइस में या उससे थोड़ा बहुत लेके आप कर रहे हैं तो आपका लॉस ही हो रहा है, या उससे कम प्राइस में अगर आप बेच रहे हैं तो आपका लॉस ही हो रहा है एंड ये कोई नहीं चाहेगा। तो ये छोटी मोटी चीटिंग है जो बच्चों को आनी चाहिए एंड ये जो है स्टूडेंट्स को सिखा देनी चाहिए या स्टूडेंट्स को एक लॉजिकल सेंस में चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कि उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में भी गैम्बल करना आना चाहिए, उन्हें चीजें समझ आनी चाहिए स्टॉक्स जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं एंड किस तरीके से वो अपने पैसे को आगे इन्वेस्ट करके एंड आगे अपनी लाइफ में चीजें अचीव कर सकते हैं, ये उन्हें आना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट चीज जो उन्होंने बता दी थी कि स्टूडेंट्स को आनी चाहिए वो थी ओवर आर्चिंग, मतलब आप कम से खरीदें एंड उससे ज्यादा में बेचें, या अगर आप कोई हाउस खरीद रहे हैं या रियल स्टेट के बिजनेस में जा रहे हैं या किसी भी बिजनेस में जा रहे हैं जहां पे बाइंग और सेलिंग का काम आप कर रहे हैं, आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, दैट इज ओवर आर्चिंग। नेक्स्ट जो वो कह रहे हैं कि आप कौन से ट्रिक यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसा, अब्यूज ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आप किसी कोई आप पे अगर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है तो आप उससे एक चीज कर सकते हैं कि आप उससे पैसे उधार ले लें एंड उसके बाद उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर दें या कुछ किसी बिजनेस में डाल दें, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वो एक रिटर्न में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए, आपको एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो जाए। सो अब इससे क्या हो रहा है, इससे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट आप अपने पास रख सकते हैं एंड जो पैसे थे आप उसे वापस कर सकते हैं एंड अगर लॉस हो रहा है देन एज सच कोई लॉस हुआ ही नहीं, जिसने पैसे दिए थे उसका लॉस हुआ। सो अब्यूज ऑफ कॉन्फिडेंस आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं या इस तरीके से यूज किया जाता है, तो लोगों को पैसे देने से पहले आप सोचिए, वो इस सेंस में बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज मर्जर। मर्जर हो जाता है कि आप कई सारी चीजों को जो है आप एक फॉल्स डिस्क्रिप्शन दे दें, एक प्रॉपर फॉल्स चीजें प्रिपेयर कर दें एंड उसके बाद आप किसी से कहें कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये किस टाइप की चोरी या किस टाइप का फ्रॉड हो जाएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थेफ्ट हो जाएगा कि आप सब कुछ फॉल्स प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उसके बाद आप ट्राई कर रहे हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए जो नाइव हो, जिससे चीजों की नॉलेज ना हो एंड जो चीजों को इन्वेस्ट करने के लिए, आपकी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए इजिली तैयार हो जाए। सो इसका भी ध्यान रखिए कि लोग ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट फ्रॉड जिसकी उन्होंने बात की है वो है ब्लैकमेलिंग या ब्लैकमेल। सो ब्लैकमेल करने के लिए लोग ट्राई करते हैं कि आपकी कोई एक कमजोरी मिल जाए जो जिससे आपका ऑनर खराब हो सकता है एंड आपको वो स्टार्ट कर दें ब्लैकमेल करना कि मुझे पैसे दो, आपसे पैसे आंटना शुरू कर दें वरना मैं ये पब्लिकली सबको बता दूंगा। सो ये स्टूडेंट्स को ये भी वॉर्न करना चाह रहे हैं कि ये चीजें होती हैं एंड ये चीजें हैंडल कैसे करनी है, ये भी स्कूल में बच्चों को बताया जाए एंड अगर कोई कर रहा है तो कैसे करे। मेन जो लूप होल होता है वो ये रहता है कि ब्लैकमेलर जो होता है वो एट द एंड जब उसको लगता है कि वो हर चीज अचीव करने वाला है, ठीक है, तो वो ध्यान देना भूल जाता है कि चीजें किस तरीके से हो रही हैं एंड ये एक क्रूशियल टाइम होता है जब चीजें फ्लिप होती हैं एंड ब्लैकमेलर जो होता है वो पकड़ा जाता है या वो फंस जाता है, ठीक है। सो आपको या स्टूडेंट्स को वो बताना चाह रहे हैं कि वो ध्यान रखें कि किस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती है, किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की जा सकती है एंड किस तरीके से ब्लैकमेलिंग से बचा जाता है एंड माइंड इट, वो छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो आप कह सकते हो कि ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो अडल्टहुड में बस पहुंचने वाले हैं, यानी कि टीनेजर्स जो हमारे हो गए, लेट टीनेजर्स हो गए, उनकी बात कर रहे हैं वो। अब आगे के पैराग्राफ्स में जब हम बात करते हैं तो वो कहना चाह रहे हैं, वो कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्किल है इसके लिए आपको ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं की, डेली एक क्लास हो रही है एक घंटे की या वीक में तीन क्लासेस हो रही है, नहीं, अगर पूरे वीक में सिर्फ एक आधे घंटे की भी एक सिंपल सी क्लास हो रही है जिसमें स्टूडेंट्स को जो है इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं कि किस तरीके से बचा जा सकता है, किस तरीके से चीजें होती हैं एंड ये भी आप चाहें तो ओमिट कर सकते हैं कि इनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, नहीं, उनको सिर्फ ये बताइए कि किस तरीके से ये चीजें होती हैं एंड किस तरीके से इन चीजों से बचा जा सकता है ताकि वो फ्यूचर में एज एन अडल्ट वो इन सब चीजों में ना फंसे एंड वो अगर उनके पास वेल्थ है तो उस वेल्थ को ना खोएं
एंड अगर उनके पास चीजें नहीं है तो किस तरीके से चीजों को अचीव कर सकते हैं। आगे के पैराग्राफ्स में वो कह रहे हैं कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें झूठ बोलना या फॉल्सहुड क्रिएट करना ये सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इमेच्योर माइंड्स होते हैं, इमेच्योर विल होती है, वो कुछ ना कुछ हद तक, या आप कह सकते हो कि ह्यूमंस में एक इमनेट नेचर होता है कि वो खुद को बचाने के लिए झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चों को झूठ बोलने के बारे में नहीं, बट हाँ फ्रॉड से और किस तरीके से बचा जा सकता है और चीजों को किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है ये सिखाना बहुत जरूरी हो जा रहा है। अब इसके आगे के पैराग्राफ्स में वो कह रहे हैं कि आप उन्हें किस तरीके से चीजें सिखा सकते हैं। तो वो दो एग्जांपल्स देते हैं। एक कहते हैं कि वो सूडोलॉजिकल अगर फोर्स यूज करते हैं तो इस तरीके से आप उनको कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान चीजों को कर रहा है या आप प्रैक्टिस कराने के लिए कह दीजिए कि फॉल डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, आपकी फ्लैटरी की जा रही है, एंड इससे कोई इंसान जो है वो 100 यूरोज या 100 पाउंड्स कमा सकता है, आप 100 पाउंड्स अपने खो सकते हो अगर आप इस सब चीजों में फंस गए तो। अब इसमें जो डिटेल एग्जांपल वो देते हैं कि आप एक हॉर्स अगर आप परचेज कर रहे हैं कम प्राइस में एंड उसको सेल करना चाह रहे हैं ज्यादा प्राइस में, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी हॉर्समैनशिप के बारे में या उस हॉर्स के बारे में फॉल्स चीजें कह सकते हो कि ये ऐसा है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रीड्स है, ये बहुत तेज दौड़ता है, एंड और भी चीजें कह के आप उस हॉर्स को एक हायर प्राइस में बेच सकते हो एंड वो प्रॉफिट आप अटेन कर सकते हो। एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि जितने भी हमारे सेलर्स होते हैं, जितने भी हमारे सेल्समैन होते हैं, वो यही करने की कोशिश करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं ताकि जो उनका कस्टमर हो वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए रेडी हो जाए। ओके, सो वही चीज वो यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को ये सब स्कूल में सिखाइए ताकि वो ये सब अपनी लाइफ में इन फ्यूचर अगर वो कोई बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं या वो खुद का कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं उसमें ये सब वो यूज कर सकें। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहने की कोशिश करते हैं कि चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, अगर सबको चीजें पता हो जाती हैं, लाइक हर किसी को फ्रॉड करने का तरीका पता है, उससे बचने का तरीका पता है, तो अब सीधा जो आता है जो इस सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी कि आप डिसीजन होगा कि कौन ज्यादा इंटेलेक्चुअल है एंड कौन अपनी चीजों को याद रख के, चीजों को राइट टाइम पे यूज करके, अपने माइंड का यूज करके किसको फंसा सकता है या किससे बच सकता है। लाइक उनके इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड करेगा कि वो चीजों से बचेंगे या चीजों में फंस जाएंगे, या कोई अर्न कर पाएगा या कोई अर्न नहीं कर पाएगा। सो जो मास्टरी है वो किस पे डिपेंड कर जाएगी, मास्टरी पूरी तरीके से डिपेंड कर जाएगी कि स्टूडेंट या जो यंग एडल्ट है उसका इंटेलेक्ट कैसा है। एंड एक चीज जो है कि हर किसी को ये नॉलेज नहीं होती, तो कई सारे जो इसमें फंस जाते हैं वो एक पॉइंट हट जाएगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि अरे मुझे जानकारी नहीं थी इस वजह से मेरे साथ ऐसी चीजें हुई। आपके पास जानकारी है, आपके पास चीजों का पता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है, यू हैव द नॉलेज एंड स्टिल यू फेल फॉर दैट ट्रैप। तो इसमें वो किसी को ब्लेम नहीं कर पाएगा, उसके पास सिर्फ एक ही सिचुएशन रह जाएगी जिसमें वो खुद को ब्लेम कर रहा हो कि मेरे पास चीजें थी, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास सारी नॉलेज थी एंड स्टिल मैं फेल हुआ हूं। तो इसमें वो सिर्फ खुद को ब्लेम कर पाएगा, उसके पास कोई और एक्सक्यूज नहीं रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि स्पेशल एजुकेटर लाया जाए वहां पे, स्कूल्स में लाया जाए एंड स्पेशल सब्जेक्ट की तरह इसे ट्रीट किया जाए, बाकी सब्जेक्ट से पूरी तरह अलग, क्योंकि इसका कुछ भी चीज जल्दी और फास्ट या धीरे धीरे नहीं किया जा सकता। इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो जिसे एजुकेटर को प्रॉपरली फॉलो करना पड़े एंड वो इवेंचुअली जाके बच्चों को हर चीज सिखाए, जैसे ब्लैकमेल, मोनोपोली, बुलिंग, ब्राइबरी, प्रेजुडिस एंड सो ऑन, जितनी भी चीजें उन्होंने कही वो सब बच्चों को वहां पे सिखाई जाए एंड उनसे बचा कैसे जा सकता है प्रॉपर तरीके से। कोई जैसे नॉर्मल स्कूल्स का स्ट्रक्चर होता है कि एग्जाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, आप बस स्टूडेंट्स को सिखाइए वहां पे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये ओल्डर बॉयज के लिए है एंड ऑब्वियसली बात है कि उन्हें ये सब चीजें याद नहीं रही हैं, क्योंकि वो सब ये सब चीजें मेमोराइज करके नहीं रखे होंगे, वो बस चीजों को समझ के रखे होंगे एंड हो सकता है इवेंचुअली वो भूल भी जाएं। पर ब्लैकमेलिंग या आप कह सकते हैं कि जब उनके साथ ये सब चीजें हो रही होंगी तब एक सम कॉन्शियस में उनके क्लिक करेगा चीजें कि अरे ये तो इस तरीके से वर्क कर रहा था, मुझे इसका स्ट्रक्चर पता है।
लास्ट फ्यू पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि एक चीज जो लोगों को नहीं सिखानी पड़ती है वो है ब्राइबरी, यानी कि घूस लेना या देना। तो इसमें उनका कहना है कि ये एक पॉइंट पे टू सम एक्सटेंट हर किसी को आती है, हर कोई अपने लिए मतलब घूस देने के लिए तैयार रहता है, उसको समझ रहती है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे शायद पैसे देने से या कुछ ऑफर करने से मेरा काम हो जाए, या सामने वाला कहता है कि कुछ ऑफर करते हो या मुझे कुछ मिलता है तो मैं आपके लिए चीजें कर दूंगा। ये एक एक इमनेट थॉट प्रोसेस है जो हर इंसान के अंदर होता है। बट स्टूडेंट्स को सिखाना क्या है, स्टूडेंट्स को सिखाना है कि कितना देना है। आप ज्यादा नहीं दे सकते वरना सामने वाला बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा एंड वो और चीजें करने लगेगा। बट आप कम भी नहीं दे सकते, कम देने से जो है आपकी चीजें सही नहीं होंगी। सो लास्ट पैराग्राफ में जो है वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि इनकी लाइफ में एक एक लड़का था जिसके फादर ने उसके लिए कुछ मिलियन डॉलर्स छोड़े थे, बट वो डिजायर करता था बहुत सारी चीजें करने का। बट जब ब्राइबरी की बात आई, वैसे तो उसके पास इतने पैसे थे कि वो आराम से एक कैबिनेट की पोजीशन ले सकता था, एडमिनिस्ट्रेटिव की हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन वो ले सकता था किसी कैबिनेट में, विसरॉय की पोजीशन ले सकता था या कोई और फर्स्ट क्लास एम्बेसी में वो काम कर सकता था। बट वो ब्राइबरी प्रॉपर नहीं कर पाया जिसकी वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया, ठीक है। एंड उसको क्या क्या चीजें मिली, वो एक प्राइवेट सेक्रेटरीशिप पे रह पाया, ये दो बार वो चेयरमैनशिप पे रह पाया कम्युनिटी की, एंड एट द एंड उसे एक बैरन की ही पोजीशन मिल पाई। एंड एट द एंड वो चाइल्डलेस था तो उसके पास चीजें थी, ऐसा नहीं था कि उसने सब कुछ खो दिया था, बट जितना वो अटेन कर सकता था, जितना वो पा सकता था, उससे बहुत ही कम पोजीशन पे वो रहा। एंड चाइल्डलेस था तो इवेंचुअली जो उसने कमाया था वो सब उस कोई घर में रहा नहीं उन सब चीजों को यूज करने का, तो वो सब चीजें सिर्फ गवर्नमेंट के पास चली गई। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे पहले के वीडियोस आ चुके हैं, इसके आगे के भी वीडियोस आते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप ये बुक परचेज करना चाह रहे हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। इसके अलावा आप ये बुक Amazon या Flipkart से भी परचेज कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।